लोकसभा चुनाव 2019 में हर पार्टी के प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान हो, इसके लिए प्रत्येक मतदाताओं को लुभाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे। जगह जगह जाना, कहीं रोड शो तो कहीं चौपाल लगाकर मतदाताओं को रिझाने का काम हर प्रत्याशी ने किया था। मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर अंतिम चरण के मतदान 19 मई को हो गया और प्रत्याशियों का भाग्य भी ईवीएम मशीन के जरिए कड़ी सुरक्षा के बीच पीजी कॉलेज खरगोन में बने स्ट्रांग रूम में कैद हो गया। अब प्रत्याशियों ने चुनाव भागदौड़ से चैन की सांस ली और अपने परिवार के लिए समय निकाला। वहीं भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र पटेल ने 23 मई होने वाले चुनावी परिणाम को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की और अपने परिजनों के साथ समय बिताया। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है अंतिम चरण का, और जिस प्रकार से एग्जिट पोल बता रहा है, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ये चुनाव खरगोन लोकसभा का चुनाव निश्चित तौर पर 101% जीत रहे हैं। क्या प्राथमिक मुद्दे रहेंगे आप जीतने के बाद? जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जिन प्रकार की बातें शामिल की गई, समाज के सभी वर्गों का विकास और देश का विकास और देश की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है और ये तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर हम भी लोकसभा में, हमारी लोकसभा विकसित लोकसभा के रूप में शामिल हो और यहाँ पर जितनी प्रकार की अभी असुविधाएँ हैं वो सब सुविधायुक्त तो रहे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, इन तमाम मुद्दों पर हम काम करेंगे और एक नया खरगोन लोकसभा को अपन 5 साल बाद देखेंगे, इतना विश्वास हम सबको भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि इस बार कहीं पर भी पेयजल संकट नहीं रहने दिया जाएगा और खरगोन बड़वानी में ये समस्या लंबे समय से रही। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि विगत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेयजल को लेकर विशेष काम किए गए और माँ नर्मदा जी के जल को उठाकर जहाँ पर सूखाग्रस्त गांव थे उनको पेयजल व्यवस्थाएँ की गई और ये देखने में भी आया। तो पानी को लेकर बहुत सारे प्रयास मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने शुरू किए थे और उसमें सफलता प्राप्त की थी और अपने देखा है कि माँ नर्मदा जी के जल को उठाकर कम से कम 150-150 किलोमीटर दूर तक पानी को ले गए, पीने के लिए भी और कृषि के लिए भी। तो आने वाले समय में तमाम प्रकार की इस प्रकार की योजना बनाकर हम पानी को गाँव गाँव तक लेने का प्रयास करेंगे, शुद्ध पानी लोगों को मिले। ये मोदी जी ने अगर कहा है तो आप विश्वास करें कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, निश्चित तौर पर पानी मिलेगा। बस अब हम देखें तो मतदान हो चुका है, इसके बीच आप काफ़ी कसम कसम रह पाए मतदाताओं के बीच जाना सारी चीज़ें रही, लेकिन आज का हम दिन की बात करें तो कैसा बिताया आपने पूरे दिन? जैसे मेरा रूटीन का दिन है कि मैं 5:30 बजे जागता हूँ, उसी प्रकार की दिनचर्या मेरी आज भी है। चुनाव में लड़ा था तब भी दिनचर्या मेरी यही थी, भले रात को 2:30 बजे सोना हो या 3 बजे सोना हो, उसी दिनचर्या का पालन मैंने शुरू किया। पर जिस समय मैं मॉर्निंग वॉक में नहीं जाता था, आज मैं मॉर्निंग वॉक मैंने शुरू किया। स्नान करने के बाद पूजा पद्धति वगैरह शुरू करके फिर अपने अखबार पढ़ना और फिर सामाजिक कार्यक्रमों में जाना, तो जितने सुख के और दुख के कार्यक्रम होते हैं तो शुरुआत मैंने करी नुक्ते के कार्यक्रम से। आज दिनचर्या पूरी वही रही, लोगों से मिलना जुलना, सामान्य जीवन जो प्रक्रिया है वही मैंने शुरू कर दी। जनसंपर्क में लोगों से काफ़ी गाँव जो तय थे उसमें जाना हुआ और अब वापस दिनचर्या मेरी वो शुरू हुई, सुबह से लेकर लोगों से मिलते हुए आज मैं शाम को खरगोन पहुँचाऊँ। परिवार के साथ काफ़ी दिनों बाद मिले, कैसा महसूस हो? काफ़ी लंबा अरसा रहा परिवार से मिलने का, पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को लेकर परिवार के रूप में जीवन जीती, तो हमने चुनाव में भी पारिवारिक रूप में हम लोग सब रहे एक साथ, हमारा सबका विधानसभा में घूमना हुआ और जिस विधानसभा में हम घूमे उस विधानसभा में भी हम जितने कार्यकर्ता थे परिवार रूप में होकर ही काम किया और सब ने सामूहिक भोजन किया, क्योंकि निश्चित तौर पर भोजन की व्यवस्था जनसंपर्क बहुत कम होती, परंतु इस बार हमने जितने कार्यकर्ता हमारे साथ चले एक साथ हमने मिलकर जनसंपर्क किया और एक साथ हमने भोजन किया, शाम को भी हमने मिलकर ही सबके साथ भोजन किया, तो एक परिवार के रूप में हम शामिल होकर हमने जनसंपर्क किया। कैसी मेहनत लग रही जमीनी स्तर पे आप लोगों के बीच गए, मतदान हुआ, प्रतिशत की बात कर रहे हैं हम, तो क्या पुराना जो आंकड़ा था भाजपा की जीत का उससे पार पाएंगे? हालांकि बड़ी जीत मानी जाए इसे भी, निश्चित तौर पर ये चुनाव बहुत डिफरेंट चुनाव रहा। पिछले 5 साल पहले देश में मोदी जी की लहर थी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, उस समय का चुनाव था, तो लोगों ने विश्वास करके वोट किया और जिस विश्वास पर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें ये विश्वास पैदा हो गया कि मोदी जी देश के लिए काम करते हैं, मोदी जी समाज के सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, ये सभी को विश्वास पैदा हो गया और उसी के आधार पर लोगों ने बाहर आकर मतदान किया, स्वप्रेरणा से मतदान किया।